हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उपेन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट के मैं साथ आया हूं, वो है एक वैकेंसी का, और वो वैकेंसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा 3 वैकेंसी निकाला गया है। तीनों वैकेंसी अपने आप में बहुत ही दमदार है। मैं तीनों वैकेंसी का नाम बताता हूँ। पहला है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, दूसरा है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और तीसरा है कैंप असिस्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा UPPCL द्वारा निकली पहली वैकेंसी का विज्ञापन पेज। यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके समस्त डिस्कॉम एवं केस्को हेतु समूह ग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के निम्नलिखित श्रेणी वार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित किए हैं। आप यहाँ रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्रम संख्या 1, पद कोड 21, पद नाम सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट। फ्रेंड्स, यहाँ टोटल 240 वैकेंसी है, और 240 वैकेंसी को ब्रेक किया गया है। जनरल में 109 वैकेंसी कर दिया गया है, वहीं EWS में 24, OBC नॉन क्रिमिनल 56, अनुसूचित जाति 48, और ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है। इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन मेथड का यूज किया जाएगा। CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में दोनों में ही नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा। वेतनमान के जहां तक बात करें तो ये वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 के अंतर्गत होगा, और वेतनमान होगा 29,800 से 94,300 रुपये एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दे होंगे। अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्थाएँ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी केंद्र अथवा राज्य के एक्ट द्वारा स्थापित से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। जहाँ तक आयु सीमा की बात करें तो 1/7/2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट, चयन प्रक्रिया की जहाँ तक बात करें तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा CBT के अस्थायी रूप से प्रोफेशनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा CBT में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा CBT सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित परीक्षा CBT होगी। लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा। प्रथम भाग का पहला पॉइंट है, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा CBT में DOEACC के ओ लेवल का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कुल 50 अंकों की परीक्षा यह होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी, यानी यहाँ फ्रेंड्स निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। सेकेंड पॉइंट है, कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को अर्य न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा CBT के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स, द्वितीय भाग का यहाँ पाठ्यक्रम दिया गया है। इस पाठ्यक्रम को 3 पोर्शन में बांटा गया है। पहला पोर्शन है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, दूसरा अर्थमेटिक, और तीसरा अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, यहाँ अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का विस्तृत सिलेबस दिया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ हैं क्या है। स्टार्ट डेट है 8/10/2021 से, और अंतिम डेट 28/10/2021 है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 8/10/2021 से 28/10/2021 तक। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चलान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 8/10/2021 से 30/10/2021 तक। ऑनलाइन CBT परीक्षा की समय अवधि की बात करें तो December 2021 के प्रथम सप्ताह में ये एग्जाम डेट टेंटेटिव है। तो फ्रेंड्स, ये रहा UPPCL द्वारा असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी सहायक लेखाकार का विज्ञापन पेश। ये वैकेंसी में बता दूं फ्रेंड्स, ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है, और यूपी गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई। अब फ्रेंड्स, यहाँ वैकेंसी का विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु समूह ग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम आमंत्रित किया गया है। यहाँ पोस्ट कोड है 16 और पदनाम है सहायक समीक्षा अधिकारी का यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। यहाँ टोटल फ्रेंड्स 14 वैकेंसी है, 14 वैकेंसी को ब्रेक किया गया है। जनरल में 9 वैकेंसी यहाँ दिया गया है, EWS में 0, OBC नॉन क्रिमिनल में 3,
एससी में 2 और एसटी में 0 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन मेथड का यूज किया जाएगा। जहाँ तक इस पोस्ट के वेतनमान की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में वेतनमान 36,800 रुपये एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य अर्हता एवं चयन प्रक्रिया। अनिवार्य अर्हता यहाँ क्या दिया गया है, कह है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए और ख है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य किया गया है। चयन प्रक्रिया किस माध्यम से होगा, चयन प्रक्रिया क है लिखित एवं टंकण परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। यहाँ प्रथम भाग देख सकते हैं आप, प्रथम भाग का पहला पॉइंट है इस भाग में NIELIT के ओ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मार्किंग का यहाँ व्यवस्था किया गया है, यानी 1/4 अंक कट जाएंगे। तो लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग आप देख सकते हैं, इस भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम दिया गया है आप देख सकते हैं, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था किया गया है। पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी में 20 प्रश्न 20 अंक होंगे। रीजनिंग तार्किक ज्ञान में 40 प्रश्न 40 अंक होंगे। जनरल हिंदी में इंटरमीडिएट स्तर के 70 प्रश्न 70 अंक और जनरल इंग्लिश इंटरमीडिएट स्तर के 70 प्रश्न 70 अंक, यानी कुल टोटल 200 प्रश्न 200 अंक के यहाँ होंगे। तृतीय भाग के यहाँ देख सकते हैं कि उपर्युक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण एवं परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा, और यहाँ पे आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। टंकण परीक्षा में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा। आप यहाँ जो यहाँ टाइपिंग होगा कुर्ती देव से होगा, और यहाँ हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में, यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है ऑनलाइन आवेदन पत्र, आप 7/10 से 27/10 के बीच में आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने जो तिथियां है वो 7/10 से 27/10 के बीच में जमा कर सकते हैं। थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चलान द्वारा आवेदन जो शुल्क जमा होगा वो 7/10/2021 से 29/10/2021 के बीच में होगा। और फाइनली CBT परीक्षा की संभावित जो अवधि है 2021 के प्रथम सप्ताह में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उसकी सहयोगी वितरण निगमों जैसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी को छोड़कर हेतु समूह ग के अंतर्गत शिविर सहायक यानी कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। आप यहां रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं, पोस्ट कोड है 24 है, पद का नाम है शिविर सहायक यानी कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 का है। यहां टोटल आपको 49 वैकेंसी है, 49 वैकेंसी को यहां ब्रेक किया गया है। जनरल में 27, EWS में 4, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 16, SC में 0 और ST में 2 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है। इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन मेथड का यूज किया जाएगा। वहीं बात करें वेतनमान की तो यहाँ वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यानी वेतनमान रुपये 27,200 से 86,100 रुपये एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दे होंगे। अनिवार्य अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निस प्रकार। अनिवार्य अर्हता में क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री होना चाहिए। वहीं ख की बात करें तो हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। वहीं चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा की बात करें तो ये 2 भागों में होगा, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। पहला है प्रथम भाग की लिखित परीक्षा CBT में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ तो आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का उम्र होना चाहिए। यहाँ नेक्स्ट है परीक्षा का स्थान दे दिया गया है कि लखनऊ, मेरठ, नोएडा, आगरा, वाराणसी शहरों में होगी।
नेक्स्ट अनिवार्य रहता है संबंधित प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। आप फ्रेंड्स यहाँ जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। आप विस्तार में पढ़कर देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र दे होंगे। नेक्स्ट है अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वो सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी विभाग में, तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट आवेदन शुल्क की बात करें तो पहला है उत्तर प्रदेश के SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 826 रुपये प्रति आवेदन GST सहित दे होंगे। वहीं जनरल OBC नॉन क्रिमिनल EWC यानी EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 1180 रुपये एग्जाम फी का प्रदान किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी के लिए कोई फी यहाँ कोई एप्लीकेशन फी का प्रावधान नहीं है। हाँ, प्रोसेसिंग फी यहाँ 12 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे। आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे से दे सकते हैं या स्टेट बैंक के चालान से आप जमा कर सकते हैं। आपको बैंक चार्ज अभ्यर्थी द्वारा अलग से पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आवेदन कैसे अप्लाई करें आप फ्रेंड्स विस्तार में आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और प्रवेश पत्र आने की जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अन्य विशेष सूचनाएं आप यहाँ फ्रेंड्स विस्तार में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें यहाँ तो पहला है ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ क्या है। 5/10/2021 से 25/10/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 5/10/2021 से 25/10/2021 तक कर सकते हैं। SBI चालान द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो दिया है 5/10/2021 से 27/10/2021 तक आप जमा कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित अवधि है 2021 के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स ये रहा UPPCL द्वारा निकाली गई शिविर सहायक यानी कैंप असिस्टेंट Grade 3 का विज्ञापन पे। तो फ्रेंड्स ये रहा UPPCL द्वारा निकाली गई वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें यहाँ पर 3 पोस्ट है फ्रेंड्स। तीनों पोस्ट का यहाँ पर पूरा का पूरा विज्ञापन के जरिए मैं आपको डिटेल्स मैंने साझा कर दिया। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी का इंतजार करते होंगे वो इस वैकेंसी को जल्द से जल्द अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।